पर्टिकुलर एंट्री पहले से एग्जिस्ट करती है तो ना, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने कुछ ऐसी एंट्री की जैसे पूजा रोल नंबर 2 मार्क्स, तो अब मैं जैसे सेंड करूंगा तो मुझे यहां पे एक अलर्ट दे कि नहीं आप सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर रोल नंबर हमारे डेटा सीट में अवेलेबल है ये कैसे पता चलेगा। तो अभिषेक जी, ध्रुव जी, ये जो हम पता करते हैं नॉर्मल एक्सेल में हम करते हैं वी लुकअप से, हम करते हैं आपको मैथ से, और हम करते हैं समिप से, सॉरी से क्या बोलते हैं काउंटिप से। तो मैच और वी लुकअप एरर देता है, तो अगर इनका यूज किया तो एरर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो दो लंबी हो जाएगा। तो हम काउंट इफ का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें दो अड़चने आती है कि काउंट इफ को वीवीए में लगाऊंगा कैसे और क्या वो सपोर्ट करेगा। तो चलिए इसी पे हम कोडिंग आपको समझाते हैं, काम क्या करना है, सबको समझ में आ गया। अभिषेक जी, अंकित जी, चतुर्क जी, ध्रुव जी, हाँ जी, यस सर, समझ में आ गया क्या क्या हमें करना है। हमने लास्ट क्लासेस में एक फॉर्म बनाया था जो कि डेटा इसमें से उठा के दूसरे शीट में सीक्वेंसली अरेंज करता था, अब मुझे इसी को और अपडेट करना है कि इसको डुप्लीकेट को इग्नोर करे, डुप्लीकेट पे मुझे अलर्ट दे कि भाई डुप्लीकेट है इस पे ना करो, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हम मैक्रो यहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमें ऊपर सबसे पहले करना पड़ेगा, तो अजय जी बताया कि कैसे पता चलेगा अकाउंट है या नहीं। तो मैं यहां पे लगाऊंगा इफ, जैसे कि इफ कंडीशन इस्तेमाल होते हैं, उससे पहले मुझे काउंट निकालना होगा। तो एबीसीडी में तो सी ले लिया, उसने बताया कि यहाँ पे वेरिएबल्स ले सकते हैं एबीसीडी कुछ भी। तो एप्लीकेशन बेसिकली काउंट इफ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है वीवीए को, एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि लेन फॉर्मूला आप लगा सकते हो, काउंट सॉरी लेन लेफ्ट राइट मिड बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, तो डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो कैसे पता चला डायरेक्ट सपोर्ट करता है, मैंने वो फॉर्मूला लगाया, लगाते ही आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आ गया, लेसन आ गया, ठीक है। एक सेकंड लीजिए, हेलो जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, मेरी वेबसाइट iptindia.com पे चले जाइए, वहां से वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे आपको, iptindia.com। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला, अब देखिए कि इसमें क्या है कि काउंट जो है हमारा, काउंट इफ जो है यहां पे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन डाला तो एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि काउंट इफ को आप वीवीए में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट ना करे उसके लिए यहां लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ एंड ब्रैकेट ओपन में मुझे रेंज देना है कहां पे, कि मुझे सी डेटा के बी पूरी बी कॉलम का, तो मैं यहां पे लिखूंगा शीट्स और इसके अंदर डेटा, तो शीट की कॉलिंग में तब समझाया था मैं आपको, देन रेंज एंड बी बाई इस तरह से देंगे, वीवीए मेथड से रेंज देंगे। और काउंट क्या करना है,
काउंट करना है मुझे B5, तो इसमें दे देंगे रेंज, ये एक्टिव सीट रहेगा इसलिए डायरेक्ट B5 डॉट वैल्यू। तो जो भी काउंट होगा उस काउंट को ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, उसकी काउंट यहां पे स्टोर कर देंगे। अगर एग्जिस्ट हुआ तो एक दो कुछ ऐसे देगा, एग्जिस्ट नहीं होगा तो जीरो देगा। मतलब ये फॉर्मूला काउंट इफ को अगर इस B5 की वैल्यू नहीं मिली तो जीरो यहां पे स्टोर करेगा, मिल गई तो जितना बार मिली है उसका काउंट स्टोर करेगा। तो काउंट इफ का फॉर्मूला VBA में लगाने आ गया आपको। अब इसमें एक चीज आती है कि हमने यहां पे C क्यों लिया। जब भी कोई फंक्शन अप्लाई करते हो, चाहे एक्सेल का फंक्शन हो या VBA का फंक्शन हो, उसको एक स्टोरेज लोकेशन चाहिए कि वो स्टोर कहां पे करेगा, मतलब अपने रिजल्ट को कहां रखेगा। क्योंकि तो हम लोग जनरली तो सेल पर लगाते हैं तो रिजल्ट एक सेल पे स्टोर होता है, लेकिन यहां तो कुछ सेल है नहीं, यहां हम लोग वेरिएबल्स देते हैं, ऐसी ABCDXY कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हो। तो अभिषेक सिंह जी, समझ में आया आपको काउंट इफ का फॉर्मूला? हाँ जी हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, रेंज B:B जो आपने दिया है, इसका रेलेवेंस क्या है? हमने पूरा कॉलन ले लिया ना, जैसे आप एक्सेल के मान लो एक्सेल फॉर्मूले में अगर मैंने मान लो पूरा रेंज एंटायर कॉलम गॉट इट गॉट इट। या और किसी को डाउट है? ध्रुव जी हाँ सर, ये समझ में आ गया आपको? ये मैं समझता हूँ सर, इसको थोड़ा सा नहीं पूरा समझिए, बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। ये जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, ये मतलब सेटेड लैंग्वेज है? बेसिकली क्या है ना सर कि हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हैं, तीन तरह के फॉर्मूले हैं मान लीजिए। पहले फॉर्मूले है जो कि सिर्फ एक्सेल को सपोर्ट करता है, दूसरी फॉर्मूले है जो सिर्फ VBA को सपोर्ट करता है, और तीसरा फॉर्मूला है जो कि VBA और एक्सेल दोनों को सपोर्ट करता है। तो जो तीसरा तरह का फॉर्मूला है VBA और एक्सेल दोनों को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि लेन हुआ, काउंट लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, ऐसे फॉर्मूला मिड हुआ, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको समझाया कि जैसे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे मैंने माने फॉर्मूला लगाया लेन की, तो लेन जो है एक्सेल को भी रिकॉग्नाइज करता है और VBA भी रिकॉग्नाइज करता है। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, ओके, इट मींस ये VBA को सपोर्ट कर रहा है। अब मैंने काउंट इफ लगाया बट काउंट इफ VBA को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं इस आगे एक्सप्रेशन में, हाँ एक्सप्रेशन नहीं आया तो इसका मतलब है कि काउंट इफ फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है कहां पे स्टोर है, ये फंक्शन लाइब्रेरी में स्टोर है एप्लीकेशन की। तो मैंने यहां से इसको पार दिया कि एप्लीकेशन की वर्कशीट फंक्शन से काउंट इफ को उठाओ। जो भी फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं सपोर्ट करते हैं उसके लिए इंडिविजुअल यही, जैसे VLOOKUP हो गया, SUMIF हो गया, EO MONTH हो गया, वो फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का तरीका है। सर क्या सारे एक्सेल के फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं इसके थ्रू? नहीं सर, सारे नहीं, कुछ है जो कि नहीं सपोर्ट करते, वो लिस्ट में आएगा ही नहीं आपको। यस सर, ऐसा एक दो फॉर्मूले पे दे चेक किए थे तो वो आ नहीं रहे थे। आई थिंक ईओ मंथ का भी नहीं आता इसमें। ईओ मंथ आता है सर? नहीं आता। ओके सोनू जी, मैं कुछ मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो उसका प्रूफ रीडिंग होता है मेरे पास। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन मैंने एक दो फंक्शन में यूज कर रहा था तो इस फंक्शन में मिला नहीं। जैसे कि नहीं ऐसे है बहुत सारे फॉर्मूले जो कि नहीं आते, जैसे कि कैर, कैर का फॉर्मूला नहीं है,
जैसे कि कोड, कोड का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। और मैं क्या मना कर रहा हूं कि नहीं फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, जस्ट कंफर्म कर रहा था सर। ओके ठीक है, आगे बढ़े। और हमने यहां पे ए सी इक्वल टू क्यों किया, ये समझ में आ गया चित्र जैन जी? यस यस। अब रिजल्ट इस पे स्टोर है, अब आगे बढ़ने से पहले चेक करना है कि क्या इसकी काउंट सच में वन या वन से ज्यादा है या नहीं है। इसके लिए हमें यूज करेंगे इफ फॉर्मूला, कि इफ अगर सी इक्वल टू, सॉरी सी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन हमें मैसेज बॉक्स में कंफर्म करना होगा एमएसजी बॉक्स, और यहां लिखेंगे कि एंटर्ड रोल नंबर ऑलरेडी, अब जो भी लैंग्वेज लिख दें स्टोर। लेकिन ये सिर्फ लिखने से नहीं है, मुझे यहां माइक्रो को स्टॉप करना पड़ेगा ताकि नीचे कोड वर्क ना करे क्या। एंड विद यहां पर हम करेंगे एग्जिट सब, कि माइक्रो से बाहर निकलो और फिर एंड इफ को खत्म करेंगे। अभिषेक सिंह जी और सुदीप जैन जी, समझ में आया आपको इफ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? आइदर सर, आइदर ये स्टेटमेंट अगर नहीं हुआ तो ये यहीं से एग्जिट हो जाएगा। अगर अगर स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये मैसेज बॉक्स देगा और फिर यही से माइक्रो खत्म कर देगा, नीचे की चीज को रन नहीं कर देगा। अगर बाय अगर नहीं, अगर सी ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं हुआ तो फिर ये इस पार्ट को अपना आगे बढ़ जाएगा, तब कंडीशन कुछ नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। कंडीशन देने का मतलब यही होता है ना, इफ लगाने का मतलब यही होता है कि जो प्रोसेस को आप फॉलो करवाना चाहते हो कि मुझे इस कंडीशन पे प्रोसेस को फॉलो करना है, तो कंडीशन मैंने बोला कि भाई सी का रिजल्ट अगर एक से ज्यादा हुआ, एक और एक से ज्यादा हुआ तो मैसेज बॉक्स होना शो करना है, माइक्रो को रोक देना है, इसलिए मैंने इफ के अंदर में इस प्रोसेस को लगाया। हेलो सर, बोलिए अंकित जी। हाँ सर, मुझे ना मैसेज बॉक्स में अगर उसने ओके दबाया तो एंट्री होनी चाहिए और कैंसिल दबाया तो। सर आपने मेरे मुंह की बात छीनी, यही नेक्स्ट टॉपिक यही बढ़ाने वाला था। सच में यार लग रहा है आप मेरी तरह ही सोच रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है कल के डेट में मेरे जगह आप ना पढ़ाने लगो। ओके तो अभी इसको एक बार कर लेते हैं रिकॉर्ड, मैं चेक कर लेते हैं कि पूजा मार्क्स मैंने दे दिया, और जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया एंटर रोल नंबर ऑलरेडी स्टोर मैसेज आ गया, और देखिए इसकी क्लीन नहीं हुआ और फिर इसकी एंट्री नहीं, पहले से पूजा की तीन एंट्री थी, मैं इसको हटा देता हूं, एंट्री नहीं है। क्लियर है सर? हाँ जी। अब जैसे कि अंकित सिंह जी ने बोला कि मैसेज बॉक्स में कंफर्मेशन आया, जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यस सर, यहाँ पे मैंने पुजारा नाम के दे दिया और यहाँ पे मैंने रोल नंबर थ्री कर दिया, तो यहाँ पे सेंड करता है यार मुझे कंफर्मेशन करता कि योर मैसेज हैव बीन सेव्ड एंड ओके कर, हुआ कि मैं नाम लिख रहा हूँ गलती से इस पे कर्सर चला गया और दब गया, तो मेरा गलत देता है इंडिया का एंट्री हो जाएगी ना। तो आप जैसे देखते हैं कि कहीं भी अगर आप कुछ करते हो तो कंफर्मेशन देता है, जैसे यहां देखो मैं फाइल क्लोज किया तो मुझे कंफर्मेशन दे रहा है यस सर, नो सेव डॉट सेव इस तरह का, तो मुझे इस तरह से कुछ बनाना है, इस तरह की चीजें भी आप बना सकते हो। तो इसके लिए मैसेज बॉक्स को कस्टमाइज करना, तो एक और वेरिएबल m इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, और इसके अंदर में देखिए क्या है प्रॉम्प्ट कि मैसेज क्या शो करना चाहते हो, तो यहां लिखता हूं मैं
कि यू वांट टू स्टेप, फिर आता है टाइटल, फिर आता है कि यहां पे बटन्स कि कितने कौन सा बटन्स होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ओके और कैंसिल होता है, यहां पे देखिए ओके और कैंसिल होता है, यहां पे मैंने बोल दिया यस एंड नो, और भी सिस्टम में आप हिसाब ले सकते हो, लेकिन मैं यहां पे यस एंड नो कर दिया। और उसके बाद टाइटल जो ऊपर लिखा हो तो यहां पे लिख देता हूं प्लीज कंफर्म, ठीक है। अब आगे, अब जो भी यस पे क्लिक करेगा तो एम के ऊपर स्टोर होगा वीवी यस, नो पे क्लिक होगा तो स्टोर होगा वीवी नो। अब मैं यहां मैसेज बॉक्स में देता हूं कि एम इक्वल इफ एन इक्वल टू वीवी यस, माफ कीजिएगा वीवी नो, दैट मैंने बोला यहीं पे एग्जिट सब एंड यहां पे एन एन। और सुखदेव जी क्या बात है, आज चुप चुप से है आप? अब यहां पे मैं डालता हूं ओम चौथा नंबर एलमास, और मैं सेंड पे क्लिक करता हूं, डू वांट टू सेव, मैं नो पे क्लिक करूं तो डेटा को सेव नहीं किया, देखिए नहीं सेव किया, लेकिन जब मैं यस पे क्लिक करता हूं तो डेटा को सेव कर देता है, कर दिया, क्लियर है सर? हमने डेटा टाइप क्यों नहीं डिफाइन किया? डेटा टाइप डिफाइन करने से पहले मुझे डेटा टाइप पढ़ाना पड़ेगा ना आपको, कि कहां पे क्यों डिफाइन करेंगे, तो मैंने पढ़ाया ही नहीं डेटा टाइप आपको, तो क्यों डिफाइन करते हैं? और विदाउट डिफाइन किए भी हम यूज कर सकते हैं। एंड सर या अगर मुझे ऊपर जो सी अगर रिटर्न इक्वल टू 1 है, अगर उसमें ये सब करना हो तो डुप्लीकेट एंट्री करवानी हो उसको मैं वो पूछे तो ऐसे कर सकते हैं? नहीं, डेटा टाइप हम कब डिफाइन करेंगे इसके बारे में आपको मैं क्लास दूंगा तो उसमें आप सीख जाएंगे, ठीक है? अब डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उसमें एक बार वो पूछे कि आपको ये डेटा ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। अच्छा ये आप ये करना चाहते हो ना कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो आप चाहते थे अगर डुप्लीकेट डुप्लीकेट ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं करते हो, तो यहाँ जो मैसेज बॉक्स आपने दिया है इस टाइम में मैसेज बॉक्स में इस टाइम दे दीजिए, और यहाँ भी एक और कंडीशन लग जाएगा इसमें, ओके सर, ठीक है? मतलब ये ए एंड इफ जो है ना, ये एंड इफ उठ के नीचे आ जाएगा और एग्जिट सब इसके नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो एग्जिट सब को इफ के अंदर रखना होगा यहां पे कि अगर नो हुआ तो एग्जिट करना है, अदरवाइज प्रोसेस को फॉलो करना है, फिर एग्जिट एक ही होगा, दो नहीं होगा, ठीक है? कितना तो आप कर ही सकते हो सर, इतना तो सीख ही गया हो कि दोनों को कंबाइन कर सकते हो अलग अलग कंडीशन में, ठीक है? अब तीसरा मुझे ये करना है कंडीशंस में ही कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरा ये तीनों में से कोई ब्लैंक ना हो, ठीक है? तो मैं पहले से चीज को चेक करना चाहता हूं कि तीनों में से ब्लैंक ना हो, तो ये मैं सबसे ऊपर लगाऊंगा, यहां दूंगा इफ, अब इसमें तीन कंडीशंस है कि B2 रेंज, सर डिस्कवर आ रही है बीच में वॉइस की, सोनू जी की तरफ से आ रही है, यहां पे जैसे रेंज B2 डॉट वैल्यू,
h इक्वल टू जीरो, ब्लैंक को जीरो लेता है एक्सेल, इसलिए इक्वल टू जीरो। फिर यहां देंगे एंड रेंज बी फाइव डॉट एन, यहां पे और होगा कोई एक भी होना चाहिए ना, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो और बी एट रेंज बी एट डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो देन मैसेज एम एस जी बॉक्स और यहां पे प्लीज फिल एवरी फील्ड और यहां पे एडजस्ट सर सर शीट नेम जी क्या बोलना शीट नेम शीट शीट का नाम नहीं क्यों शीट का नाम देंगे इसमें शीट का नाम देखेंगे तो डेटा शीट लेंगे ना शीट फिर डॉट डेटा नहीं क्यों लेंगे शीट डॉट डेटा शीट डॉट डेटा तब लेंगे जब हम एक्टिव सीट के नहीं दूसरे सीट की बात करें जब यहां मैं प्ले करूंगा तो मेरा सीट एक्टिव कौन है फॉर्म है ना ये तो मुझे है, अभी तो एक्टिव है हाँ अभी तो एक्टिव है जब आप इसको क्लोज करोगे और वापस से ओपन करोगे तो फिर एक्टिव नहीं होगी ना यार हम इस मैक्रो को कब ट्रिगर कब रन होगा मैक्रो जब मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा ना और बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म पे तो आना ही पड़ेगा ना अब थोड़ी थोड़ी मैं सीट थ्री से भी बटन पे क्लिक कर दूंगा हमें बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म शीट पे तो आना पड़ेगा ना और इसको फिल करके फिर इसको सेंड करना पड़ेगा बिल्कुल तो फिर क्यों दे हम ऐसे देने में कोई हर्जा नहीं है आप दे सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है ओके समझे बट नीचे आपने शीट का नाम दिया है नीचे सीट का नाम आपने देखा नहीं नीचे सीट का नाम इसे दिया है क्योंकि डेटा सीट से कनेक्टेड है नीचे इससे भी जस्ट नीचे इससे नीचे वही तो बोल रहा हूँ आपको कि डेटा सीट से कनेक्टेड है वो तो ये डेटा शीट से कनेक्टेड है फॉर्म से कनेक्ट नहीं है अच्छा फॉर्म फॉर्म शीट नहीं है ओके डेटा शीट है ना दूसरी सीट है ना दूसरी सीट के लिए रेफरेंस देना ही पड़ेगा ना तो फिर अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो इसी सीट पे पेस्ट कर देगा डेटा को डायरेक्ट कमांडिंग सीट तो हाँ सर हम लोग एजेंटी यूज कर सकते हैं ना कौन सा एजेंटी यूज कर सकते इज एम्प्टी इज एम्प्टी हाँ वो भी यूज कर सकते हैं अगर सपोर्ट करता है तो इज एम्प्टी करता है सर हाँ तो कर सकते हैं लेकिन सिंपल सी बात है जीरो भी तो सपोर्ट ही रहता है जीरो आप लोगों को समझ में आएगा ना क्योंकि हम जीरो आप जानते हैं कि ब्लैंक सेल इसलिए जीरो होता है हमने इफ में कई बार जीरो इस्तेमाल किया है तो जो आप लोग समझे वही पढ़ाऊंगा ना तो ये फॉर्म मैंने क्या एक मॉडल फॉर्म है मतलब कि एक ऐसी सैंपल फॉर्म है जो कि मैंने आपको बताया है आप लोग इसी फॉर्म ये फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूं आप लोग इसी फाइल को अच्छे तरीके से बना के दे एक फॉर्म बना के दे जो कि एक ऑफिस में एक वेबसाइट पे या एक प्रोफेशनल फॉर्म होता है ओके और उसमें एक कंडीशन जो मैंने सिखाया ऐसी कंडीशंस आप लगाएं ठीक है जी तभी जाके आप सीख पाएंगे मैं आप सबको फाइल मेल कर देता हूँ अभी और ये रिकॉर्डिंग मैं अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ अभी आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है सर जी सर अपने ड्राइव में भी प्लीज डालेंगे ना जी गूगल ड्राइव में डालेंगे ना आपके हाँ गूगल ड्राइव में भी चल जाएगा गूगल ड्राइव में कल सुबह जाएगी लेकिन यूट्यूब पे थोड़ी देर चल जाएगी सर ओके okay.
अब सबको मैंने फाइल मेल कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल हम आपको इस फॉर्म में और ज्यादा कंडीशंस लगाना सिखाएंगे। ठीक है सर। ओके ठीक है, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट।